जो 2021 में मैट्रिक में इंटर पास कर चुके हैं और ई कल्याण वेबसाइट के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का पैसा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं। सो आप यहां पर देखते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बताया जाता है कि अभी आवेदन आपका पूरा नहीं हुआ, सो भी आप यहां पर देखते हैं और आपका जो बैंक डिटेल डाले हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद आपके जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, उस दोनों पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा जहां से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो आप करेंगे तो ही आपको यहां से प्रोत्साहन राशि का पैसा आएगा अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं या इंटर के छात्र हैं 2021 में पास किए हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी बताएंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि अभी तक आपका बैंक का जो वेरिफिकेशन होने वाला है वो अभी तक हुआ या नहीं हुआ। डायरेक्टली आपको इस पेज पे आना, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप इस पेज पे आएंगे। अगर आप मैट्रिक के साथ हैं या इंटर दोनों के लिए लिंक यही दिया गया है, उसके बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आपको कैसे पता करना कि आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए यहाँ पर आपको दो लिंक दिया गया, एक इंटर का जो आप यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर इंटर लिखा गया चेक स्टेटस, सो भी आप यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो अगर आप मैट्रिक के हैं तो आप मैट्रिक का यहाँ पर लिखा गया और यहाँ पर चेक स्टेटस का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मैट्रिक का छात्र का चेक करके आपको दिखाता हूँ। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। सो आप यहां पर देखते हैं, यहां से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा यहां पर, तो यहां पर आप जब क्लिक करते हैं तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको डेस्कटॉप साइट में इनेबल करना, यहां पर आपको डेस्कटॉप साइट, सो आप यहां पर देखते हैं इसको आपको अभी ही इनेबल कर लेना। डेस्कटॉप साइट जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नया पेज आता है। सो आप यहां पर देखते हैं, यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी ऑनलाइन करते वक्त दिए थे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिल करना। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो आप यहां पर देखते हैं, आपको यहां पर साफ साफ बताया जाता है, सो आप यहां पर देखते हैं बैंक अकाउंट स्टेटस जो आप यहां पर देखते हैं, इसके नीचे आपको नोट सेंड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यहाँ से बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आपका बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा और आपका ईमेल पर या आपके मोबाइल के मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे जहाँ से आप एक बार फिर से लॉगिन करके ऑनलाइन अप्लाई आगे का जो प्रोसेस है कर सकते हैं। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता तो लास्ट ऑप्शन आपको यहां पर स्टूडेंट का ऑप्शन मिलता है, सो आप यहां पर देखते हैं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर गेट यूजर आईडी पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है जो आप यहां पर देखते हैं। तो डायरेक्टली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देन आपको मोबाइल नंबर जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे वो फिल करेंगे और सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। बट आपको ऐसा बिल्कुल अभी नहीं करना है, जब तक आपका यहाँ से बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वो वहाँ पर नहीं करना है। जैसे बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो आपको यहाँ पर आकर यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त करना होगा। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाता है तो डायरेक्ट आप लॉगिन करके जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स बन रहे हैं तो नीचे अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।